कि उसमें मुझे पता लग गया था कि 90% बच्चों ने यहाँ पे बोल दिया कि रिवाइज आंसर की आएगी या गुरु सबसे पहले सीधा रिजल्ट आएगा। इसके बारे में 90% इंपोर्टेंट सवाल है हमारा। इंपोर्टेंट सवाल वो क्या है, यहाँ पर सबसे पहले किस जोन का यहाँ पर रिजल्ट देखना है। जैसे इस तरह से आप लोगों का पीईटी का रिजल्ट आएगा, पीईटी का रिजल्ट आएगा जिसमें आप लोगों को करना है आप लोगों को कितने मार्क्स, अब कितने मार्क्स वालों को यहाँ पर रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये मान लो ये चार महीने आप लोगों के जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं ना 35 मार्क्स पर आप लोग रनिंग स्टार्ट कर दो। और ओबीसी कैटेगरी से आप लोग यहाँ पे, और शिफ्ट भी आप लोगों की इजी टू मॉडरेट है तो आप लोग 53। आप कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मैं अभी मार्क्स बता रहा हूँ तो नहीं बोलेंगे इतने पे सिलेक्शन नहीं होगा। अरे जब परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होता है जब मॉडरेट शिफ्ट का, तो आप लोग खुद को पता लग जाएगा जब मार्क्स इंक्रीज होंगे ना सिलेक्शन हो जाएगा। पीस आइए दोस्तों एक बार हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप डी के रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं। आप लोगों का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, कहने का मतलब है आप लोगों के यहाँ पे जब रिजल्ट आएगा उससे पहले क्या आप लोगों के यहाँ पर रिवाइज आंसर की आएगी या फिर डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। और इसके ऊपर मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा उसमें रेस्पॉन्स दिखाया, जो कि उसमें मुझे पता लग गया था कि 90% बच्चों ने यहाँ पर बोल दिया कि रिवाइज आंसर की आएगी या गुरु सबसे पहले सीधा रिजल्ट आएगा। इसके बारे में 90% बच्चों ने यहाँ पे भाग लिया, काफ़ी अच्छा लगा ये मुझे देखकर। इसी के साथ में हमारा ये क्वेश्चन ये भी होगा आज के इस वीडियो में और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि रिजल्ट के बाद में आप लोगों को रनिंग के लिए कितना टाइम मिलेगा और रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे रो स्कोर के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे आप लोगों को यहाँ पे जो आरआरसी ग्रुप डी का रिजल्ट है वो मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था, ये कम्युनिटी पोस्ट किया था तो आप लोगों ने यहाँ पे जो रेस्पॉन्स दिया है वो काफी अच्छा रेस्पॉन्स दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा, इंपॉर्टेंट सवाल वो क्या है, यहाँ पर सबसे पहले किस जोन का यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। और ये सारी चीजें जो होगी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एनटीपीसी के अकॉर्डिंग होगी। और आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने रावर ये बॉय चैनल के ऊपर देखा होगा काफ़ी सारी एनटीपीसी के ऊपर वीडियो बना डाली है, क्योंकि एक्सपीरियंस ही इतना आ गया कि मुझे आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी अच्छा मजा आ रहा है बताने के लिए। और साथ ही यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे रिजल्ट आने के बाद में जो आप लोगों का प्रोसेस होने वाला है। जैसे इस तरह से आप लोगों का पीईटी का रिजल्ट आएगा जिसमें आप लोगों को 100 मीटर का काम करना है और 1000 मीटर का काम करना है। काम क्या करना है वो सब आप लोगों को पता है, और नहीं पता तो अभी इस वीडियो में बता दूंगा। आगे चलते हैं, आगे क्या करना है आप लोगों को, कितने मार्क्स वालों को यहाँ पर रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, यानी कि कहने का मतलब है अगर आप लोगों के कितने रो स्कोर आ रहे हैं और आप लोगों की शिफ्ट टफ है तो कितने मार्क्स पर आप लोगों को रनिंग स्टार्ट करनी चाहिए, अगर आप लोगों की शिफ्ट इजी टू मॉडरेट है तो कितने मार्क्स के ऊपर आप लोगों को यहां पे कितने मार्क्स के ऊपर आप लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आइए, ये वीडियो ही आप लोगों को यहां पे सच बता रहा हूं, लिटरली बता रहा हूं, एक ऐसा मौका है इसके आपके पास में, आपके हाथ में एक ऐसा मौका है जिसमें आप लोगों के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन चार महीनों के अंतर्गत ये चार महीने हैं आप लोगों के यहाँ पे, जिसमें आप लोगों के यहाँ पे इस समय देखा जाए तो जिस तरह से आप लोग लाइब्रेरी में बैठ के काफ़ी अच्छी ज़्यादा मेहनत करी, लाइब्रेरी में बैठ के ढेरों मतलब काफ़ी ज़्यादा घंटे पढ़े, अपनी ही जेब में से पैसे दिए, बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये मान लो ये चार महीने आप लोगों के जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं ना, इन चार महीने के अंतर्गत आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि आप लोगों की जॉब लगेगी नहीं लगेगी। पहली बार तो जॉब लग जाएगी क्योंकि कट ऑफ कम जाने वाली है, और जैसे आप लोगों की यहाँ पे जॉब लगेगी और जो मजा आएगा ना भाई साहब, जो मजा आता है ना, मतलब अपने खुद के पैसे से आप कुछ करते हैं ना, दिल से बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छा फील होता है कि हाँ मैं इससे प्रकृति पे ऐसे नहीं आया, मैंने भी कुछ अचीव किया है, बहुत खुशी मिलती है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा, इंपॉर्टेंट सवाल पे आते हैं तो आखिरकार रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिजल्ट के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए हमारे क्या है, अभी जो ऑब्जेक्शन रेज का काम खत्म हो गया है, तो ऑब्जेक्शन रेज का जो काम रखा था रेलवे ने वो 19 तारीख तक रखा था, और वो 19 तारीख कब की जा चुकी है, और आज यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 23 अक्टूबर है, और 23 अक्टूबर को मैंने यहाँ पे सुबह ही कम्युनिटी पोस्ट किया था रावरी बॉय के द्वारा, 15 मिनट में पता लग गया था हम लोगों को कि ग्रुप डी की पहले ही रिवाइज आंसर की आएगी या सीधा रिजल्ट आएगा। तो 15% का 90% बच्चों ने तुरंत वोट देके बता दिया सीधा रिजल्ट आएगा, रिवाइज आंसर की रेलवे नहीं देगा, क्योंकि रेलवे अब जब रेलवे रिवाइज आंसर की दे देगा तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे फिर उसमें ऑब्जेक्शन रेज करेंगे और काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएगा, तो रेलवे सीधा और ऊपर से यहाँ पे दबाव हो रहे हैं, यानी कि जो रोजगार मिला है ना उसका भी दबाव है, तो इसलिए इस वैकेंसी को यहाँ पर रिवाइज आंसर की नहीं देगा, आप लोगों का सीधा ही रिजल्ट देगा। तो सीधा रिजल्ट देगा, तो रिजल्ट कब तक देगा वो भी जान लो आप लोग यहां पे।
रिजल्ट आएगा आप लोगों का ग्रुप डी का। जब ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा ना, आप लोग ध्यान से देखो, मैंने किया गया था कल क्या किया था, कल 22 अक्टूबर को, कल मैंने 22 अक्टूबर को आपके लिए कम्युनिटी पोस्ट किया था और आप लोगों ने सपोर्ट भी है, काफ़ी अच्छा मजा आया। आरआरसी ग्रुप डी का रिजल्ट कब तक आ सकता है ये सिर्फ आपका ही ओपिनियन है, आपने ही यहाँ पे आपने ही यहाँ पे कहा है। मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया था नवंबर के फर्स्ट वीक में ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा, या 10 नवंबर के बाद में आएगा, 15 से 20 नवंबर के बीच में आएगा, नवंबर के लास्ट वीक में आएगा, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आएगा, ऐसा मैंने यहाँ पे ऑप्शन देने की कोशिश करी है और आप लोगों ने भरपूर सपोर्ट किया। अब भरपूर सपोर्ट किया तो आप लोग ये ध्यान से देखो, 34 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता है यहाँ पर कि रिजल्ट आप लोगों का नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। और रेलवे ने खुद ने यहाँ पे एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी करके बोला था, आप लोगों को पता होगा, यह आज से लगभग 2 वीक्स पहले मैंने क्या किया था, कम्युनिटी पोस्ट किया था आप लोगों के रावरी बॉय के ऊपर। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इस ऑफिशियल सर्कुलर से जो चीज़ें निकल के आई थी वो मैंने यहाँ पे ड्रॉप आउट कर दी थी। और ड्रॉप आउट क्या की थी, मैंने यहाँ पे बोला था आप लोगों से कि आरआरसी ग्रुप डी का अपडेट ऑफिशियल आज से 2 वीक्स पहले दिसंबर रिजल्ट 2022 यानी कि ग्रुप डी का रिजल्ट दिसंबर में आ जाएगा और जो फिजिकल के लिए होगा वो जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा और डीवी और मेडिकल आप लोगों के फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे और मार्च 2023 में आप लोगों के यहाँ पे ज्वाइनिंग का प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे मैंने आज से 2 वीक्स पहले यहाँ पे आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट की थी। और आप लोग खुद देखो अभी क्या है, अभी क्या चल रहा है, अभी दिवाली चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है, तो फेस्टिवल चल रहा है आप लोग ये मान के चलो, जो आप लोगों का रिजल्ट है ना, रिजल्ट के बाद आप लोग ये मान के चलो आप लोगों का रिजल्ट है, ये रिजल्ट आप लोगों को कब तक देखने को मिल जाएगा, रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को कुल मिला के, एक ही बात बोलूँ रिजल्ट के ऊपर, आप लोगों को रिजल्ट अक्टूबर में तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अक्टूबर में ये क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन रेज का काम कर रहे हैं। और क्योंकि कोई क्वेश्चन गलत है तो उसको वेरीफाई करना होता है और सारे आंसर की में सही करना होता है, तो यहाँ पे अभी प्रोसेसिंग होगा। तो अक्टूबर को तो आप लोग बिल्कुल भूल जाओ कि अक्टूबर में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, इसको तो हटाते हैं। और रेलवे ने खुद ने ही बोल रहा है दिसंबर के फर्स्ट वीक में हम लोग यहाँ पे लगभग जारी कर देंगे, पर दिसंबर के फर्स्ट वीक में रेलवे ने ऑफिशियली सर्कुलर टेंटेटिव बोला है। तो ये बता दूं मैं आप लोगों को यहाँ पे, आप लोगों का जो रिजल्ट है आप लोगों को देखना आप लोग यहाँ पे या तो नवंबर के फर्स्ट वीक में, और ये हो सकता है आप लोगों के 15 से 20 नवंबर के बीच में भी आने की पॉसिबिलिटी है। अगर कुल मिला के एक ही बात मिलूं तो नवंबर में आप लोगों का यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, कोई ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जब नवंबर में यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा तो क्वेश्चन ये भी उठता है कि आखिरकार रिजल्ट आने के बाद में कितना टाइम मिलेगा फिजिकल के लिए, कितना टाइम मिलेगा, तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों का जो फिजिकल है यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे कि आप लोगों को पहला काम तो करना पड़ेगा 100 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, दो मिनट में 100 मीटर की 35 kg वजन उठा के आप लोगों को रनिंग करना पड़ेगा और 100 में एक वन किलोमीटर आप लोगों को यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा 4 मिनट 15 सेकंड में रनिंग होगी आप लोगों की। वो कैसी हो सकती है वो आप लोग जानते हो, इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो कि मेरा PET में जो रिजल्ट आए इस तरह से आए, पहले में क्वालिफाई दूसरे में क्वालिफाई, तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ध्यान रखो फिजिकल आप लोग स्टार्ट कर देना। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर रो स्कोर बता देने वाला हूँ, अभी मैं बता दूंगा आप लोगों को, इजी टू मॉडरेट शिफ्ट और मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट है, तो आप लोगों को जनरल OBC EWS SC ST में कितने स्कोर चाहिए अभी मैं बता दूंगा यहाँ पर आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखो कि अगर आप लोग चाहते हो कि हमारा PET में रिजल्ट आए, क्वालिफाइड दोनों में क्वालिफाइड आए, तो आप लोग ये इस बात को मैं यहाँ पर बोल देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे अभी से ही रनिंग स्टार्ट कर दो, जो मैं रो स्कोर बता रहा हूँ अभी से लग जाओ, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद में आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, करीबन यहाँ पे 25 दिन मिलते हैं और 25 दिन तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम बोलती है, अन्य तो 20 दिन से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। 2018 में भी ऐसा ही हुआ था, इसके बारे में पता होगा। अब बात कर लेते हैं आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले किस जोन का यहाँ पे रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है, तो आप लोगों को पता होगा NTPC का जो प्रोसेसिंग चल रहा है, NTPC का प्रोसेसिंग क्या चल रहा है यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, NTPC का लेवल 6 का डीवी और मेडिकल चल रहा है। तो ऐसे में क्वेश्चन ये भी उठता है यहाँ पे, डीवी और मेडिकल में अभी चेन्नई के द्वारा यहाँ पे लेवल 6 के स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए डीवी मेडिकल कराया गया है, तो 26 से लेके यहाँ पे आप लोगों का 26 से लेके 30 के समथिंग यहाँ पे डीवी मेडिकल खत्म हुई है और 10 से 15 दिन के बाद में ही उनकी यहाँ पे फर्स्ट पैनल जारी कर दी गया है। तो ऐसे में आप लोगों को यहाँ पे पता लग रहा है कि जो चेन्नई बोर्ड है ना वो काफी ज्यादा फास्ट काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरी ये मेरे पर्सनल ओपिनियन से बोल रहा हूँ, ऐसा कोई भी रेलवे ऑफिशियल नहीं आया है जो यहाँ पे रिजल्ट, मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ यहाँ पे, NTPC को काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाई है तो मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे। आप लोगों को जो रिजल्ट है ना, सबसे पहले किस जोन का रिजल्ट देखने को मिल सकता है, वो मिल सकता है आप लोगों को चेन्नई का, क्योंकि चेन्नई के अंतर्गत आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा प्रोसेस है और ये सुपर फास्टर बनाया है काम करने के आगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आप लोगों का कितना स्कोर होना चाहिए,
अगर आप लोगों को रनिंग करनी है तो रनिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेशल रनिंग के लिए बात कर रहा हूँ। सबसे मैं पहले बात कर लेता हूँ ईजी टू शिफ्ट है और यहाँ पे मॉडरेट टू टफ, तो ये ध्यान रख लेना, इसको थोड़ा सा सीरियस तरीके से देखो, यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान से देखो। अगर आप लोगों की आप लोग जनरल कैटेगरी से हो और आप लोगों की शिफ्ट ईजी टू मॉडरेट आई है, यानी कि कुछ ज़्यादा कठिन भी नहीं आई, नॉर्मल आई है, आप लोग कर पा रहे हो, तो जनरल कैटेगरी से हो तो 55 मार्क्स पर आप लोग रनिंग स्टार्ट कर दो, और ओबीसी कैटेगरी से हो आप लोग यहाँ पे और शिफ्ट भी आप लोगों की ईजी टू मॉडरेट है तो आप लोग 53 भी आ रहे हैं ना, 53 भी आ रहे हैं और प्लस माइनस वन भी हो रहे हैं, तो आप लोग स्टार्ट कर दो यहाँ पे रनिंग स्टार्ट कर दो, आप लोगों का फिजिकल में पक्का नंबर आएगा आप लोगों यहाँ पे। और 50 और आप लोगों के 50 भी आ रहे हैं, 50 भी आ रहे हैं ई डब्ल्यू एस कैटेगरी से, तो रनिंग स्टार्ट कर दो आप लोगों यहाँ पे। ये मैं तब बात कर रहा हूँ जब ईजी टू मॉडरेट है, ईजी टू मॉडरेट के बारे में बात कर रहा हूँ और मॉडरेट टू अभी बता दूंगा यहाँ पे। मॉडरेट टू के तो सोच लो आप लोग यहाँ पे, जब ईजी टू मॉडरेट के इतने नंबर हैं तो यहाँ पे मॉडरेट टू टफ के कितने नंबर बताऊंगा यहाँ पे, आप सोच लो आप लोग यहाँ पे कम ही बताऊंगा। तो एससी की है यहाँ पे, एससी के लिए आप लोग 48 नंबर आ रहे हो तो करने लग जाओ, हालांकि प्लस माइनस या माइनस टू या प्लस टू ऐसा होगा यहाँ पे, प्लस माइनस तो वन यहाँ पे चलेगा चलेगा। और एसटी की यहाँ पे बात कर ले, एसटी में अगर आप लोगों के 46 नंबर भी आ रहे हैं और आप लोगों की शिफ्ट इजी टू मॉडरेट है तो आप लोग यहाँ पे रनिंग स्टार्ट कर सकते हो, और रनिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये सोच के करो रनिंग कि मुझे ऐसा सोचा मत हो कि मुझे मतलब फिजिकल को फाड़ देना है, वो कर देना है, आप लोग रनिंग करो, आपकी शरीर के लिए हेल्थ भी सही होगी, और आप लोगों को यहाँ पे ऐसा मत सोचो कि बिल्कुल ये कर देना प्लान कर देना सब मतलब बढ़िया होगा आप लोगों यहाँ पे। तो इतने नंबर आ रहे हैं ना आप लोगों के यहाँ पे तो रनिंग स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के यहाँ पे मॉडरेट टू यहाँ पे आप लोगों का मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट है। अगर आप लोगों की मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट है तो आप लोगों को कितने मार्क्स के ऊपर रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए मैं बताता हूँ। ये तो आप लोगों का जनरल के लिए हो गए और ये आप लोगों का ओबीसी के लिए हो गए और फिर ईडब्ल्यूएस के लिए, फिर एससी के लिए और फिर एसटी के लिए। तो जनरल से हो आप लोग यहाँ पे, अगर आप लोगों की शिफ्ट मॉडरेट आई है, हाई लेवल की आई है। अब मैं यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मैं अभी मार्क्स बता रहा हूँ तो नहीं बोलेंगे इतने पे सिलेक्शन नहीं होगा। अरे जब परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होता है जब मॉडरेट शिफ्ट का, तो आप लोग खुद को पता लग जाएगा जब मार्क्स इंक्रीज होंगे ना, किस लेवल पे इंक्रीज होंगे आप लोग खुद देख के ही अपने यहाँ पे चौंक जाओगे। तो जनरल की बात करें यहाँ पे तो 48 के समथिंग आप लोगों के आ रहे हैं और शिफ्ट टफ है। जैसे कि यहाँ पे हुबली की बात कर लेते हैं, हुबली में क्या हुआ था, सेकेंड जो शिफ्ट आई थी वो ग्रुप डी के सबसे सभी शिफ्टों की देखा जाए तो तुलना में वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी। तो वहाँ पे अगर किसी के 40वीं नंबर आ रहे होंगे ना, उसको भी वहाँ पे रनिंग का काम स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जनरल से कैटेगरी से हो आप लोग यहाँ तो 48 पे स्टार्ट कर दो, और ओबीसी कैटेगरी से हो आप लोग यहाँ पे तो रनिंग का काम आप लोग 46 पे कर सकते हो, और ईडब्ल्यूएस का काम हो यहाँ पे तो ईडब्ल्यूएस से 44 और एससी एसटी में यहाँ पे आप लोग करीबन 43 से लेके आप लोगों का 42 इस पर आप लोग रनिंग स्टार्ट कर दो। अगर हार्ड शिफ्ट आ रही है, मॉडरेट टू हार्ड आ रही है, तो जनरल में 48, ओबीसी में 46, ईडब्ल्यूएस में 44 और एससी एसटी में आप लोग यहाँ पे 42 43 पे भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को यहां पे मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट के लिए बताया, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं कहना ये चाहता हूं आप लोगों के यहां पे जो आप लोगों को रनिंग करना है वो आप लोगों का खुद को पता होगा आपकी शिफ्ट कैसे आई है, आप लोगों ने बच्चे से बात भी होगी। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए जो इजी टू मॉडरेट शिफ्ट आई है वो मैंने मार्क्स बताए उनके ऊपर आप लोग स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा तो जो मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट है जो कि मैंने यहाँ पे 44वीं 44वीं बताएं, यहाँ पे आप लोगों को 42वीं बताएं और किसी को मैंने यहाँ पे 48वीं बताएं, तो ये जो बताएं ना ये बढ़कर आप लोगों के 50-55 हो जाएंगे और उसमें आप लोगों के यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा पीस फिजिकल के लिए। और जो इजी टू मॉडरेट है वो मैंने बताई दिया 55, 54, 51, 48 कैटेगरी वाइज वो बता दिया। तो ये कुछ सारा अपडेट था जो मुझे आप लोगों को देना था, आई होप आप सब लोग यहाँ पे समझ पाए होंगे और फटाफट जो मैंने मार्क्स बताए उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे पीटी मतलब फिजिकल के लिए तैयारी स्टार्ट कर दो, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो ये कुछ छोटा सा अपडेट था जो मुझे आप लोगों को देना था, मिलते हैं जल्दी अपने एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ।